यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैकेनिक टीवी हिंदी के BS6 टेक अड्डा सीरीज में आज हम जानेंगे BS6 गाड़ियों में मिसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें मैकेनिक टीवी हिंदी को और बेल आइकन को प्रेस करें। BS6 गाड़ियों में मिसिंग प्रॉब्लम ज्यादातर फॉल्टी स्पार्क प्लग, जाम एयर फिल्टर, फॉल्टी फ्यूल पंप या फॉल्टी थ्रॉटल बॉडी से आती है। साथ ही ये प्रॉब्लम गाड़ी के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे फ्यूल इंजेक्टर, CKP सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर में फॉल्ट होने की वजह से भी आती है। ऐसे में आज हम करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की टेस्टिंग। लेकिन टेस्टिंग से पहले स्पार्क प्लग में करंट की, एयर फिल्टर के जंग होने की, फ्यूल इंजेक्टर क्लॉगिंग की, फ्यूल पंप के प्रेशर की और थ्रॉटल बॉडी में डर्ट जमने की जांच कर लें। अगर कंपोनेंट सही हो तो हम क्रैंक सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिसके लिए मल्टीमीटर को 2000 ओम पर सेट करके उसके दोनों प्रोब को क्रैंक सेंसर के दोनों पिन से कनेक्ट करेंगे। रीडिंग 145 आ रही है, इसका मतलब क्रैंक सेंसर सही है। लेकिन रीडिंग 109 से 280 ओम के बीच ना आए तो इसका मतलब सेंसर फॉल्टी है। यदि क्रैंक सेंसर सही हो तो फ्यूल इंजेक्टर में वोल्टेज, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको फ्यूल इंजेक्टर की टेस्टिंग कैसे की जाती है इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो में दिए गए आई बटन में लिंक को क्लिक करें और टेस्टिंग का सही तरीका जानें। मिसिंग की प्रॉब्लम ऑक्सीजन सेंसर में खराबी से भी आती है। ऐसे में मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में सेट करके उसके रेड प्रोब को सेंसर के सिग्नल वायर और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अगर रीडिंग 0.1 से 0.9 वोल्ट के बीच आए तो इसका मतलब सेंसर सही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मैकेनिक टीवी हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।